जिस आजादी के लिए हम सब ने मिलकर आजादी की जंग लड़ी ताकि हम सबको आजादी मिले और हम आजाद रह सकें इस कंट्री के अंदर, वो आजादी का एक हिस्सा हमसे जाने वाला है। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स में से पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, जो कहा जाता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कॉर्नर स्टोन है। ये फंडामेंटल राइट्स में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। 7 फंडामेंटल राइट्स में अगर आप आर्टिकल 25 पढ़ें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट दिया गया है और उसमें क्लियरली दिया है कि ऑल पर्संस आर इक्वली एंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। हम सबको अपनी सोच का एक फ्रीडम दिया गया है एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। हम सबको अपने रिलीजन को प्रोफेस करने, उस पर अमल और प्रैक्टिस करने और उस चीज को दूसरों तक पहुंचाने प्रोपोगेट करने का राइट हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अगर आप नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ें, आर्टिकल 26, उसके अंदर दिया गया है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। हर कम्युनिटी को ये राइट दिया गया है, हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट दिया गया है कि वो रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले अपने मैटर्स को खुद मैनेज करे। सवाल ये है कि क्या फैमिली लॉज रिलीजियस मैटर में आते हैं या नहीं आते हैं? आप बताइए, दो लोगों को एक लीगल राइट मिलता है, एक मान्यता मिलती है, एक एक्सेप्टेंस मिलती है। किसने दिया है वो एक्सेप्टेंस? हमारे रिलीजन ने दिया है। वो दो लोगों को साथ में रहना लीगली करेक्ट कैसे समझा जाता है? सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेंस कैसे आती है? किसने उसे वो एक्सेप्टेंस दी? रिलीजन ने दिया। तो मैरिज ये खुद, ये फैमिली लॉज, ये हमारे रिलीजियस मैटर है। ये कोई कल्चरल मैटर नहीं है, ये हमारे कोई कस्टम्स नहीं है, ये हमारा रिलीजियस मैटर है। तो ये रिलीजियस मैटर होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी दिया है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के अंदर कि हमारे ये रिलीजियस राइट्स नहीं डिस्टर्ब किए जाएंगे।